इतना प्यार कमा रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में, आगे जाकर क्या करोगे आप? ब्लास्ट करोगे? हाँ ब्लास्ट कर देंगे। अरे वाह, ब्लास्ट करोगे, बिहार में एकदम एकदम तहलका मचा देना है। हाँ। छोटी सी उम्र में। हाँ। सबसे ज्यादा आपका फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी। आप इतना छोटा है, सब तो इतने लंबे लंबे, आप कर कैसे लेते हो पापा के कंधा पे बैठ के? हाँ कभी कभार बैठना पड़ता है। कभी कभार बैठना पड़ता है। हाँ। क्योंकि आप बहुत छोटा हो, है ना। हीरोइन की बात करें तो कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है मूवी इंडस्ट्री में? दिल दीवाना में काजोल। ओ, दिल दीवाना वाली काजोल इनको बहुत पसंद है भाई। अभी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं, पापा से डरिए मत, क्योंकि आप तो अब गर्लफ्रेंड रखने लायक भी हो गए हो, क्योंकि आपको लोग जानते हैं ना, तो कोई फैन तो होगी ही लड़की। हाँ दो दो है। दो दो है। इनकी पहुंच आपको बता दी कि प्रधानमंत्री तक है, सीएम तक है, और हीरो हीरोइन की बात करें तो एकदम मूवी इंडस्ट्री से डायरेक्ट है इनका कांटेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज, आपके साथ मैं हुरिया सुमन। देखिए प्रभात रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि वायरल बॉय हैं, और इनकी पहुंच आपको बता दी कि प्रधानमंत्री तक है, सीएम तक है, और हीरो हीरोइन की बात करें तो एकदम मूवी इंडस्ट्री से डायरेक्ट है इनका कांटेक्ट। क्योंकि ये छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन ये वाकई छोटा नहीं है। ये जो काम करते हैं, अपने काम से लोगों को अंजाम देते हैं, तो ये बड़ी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना पहचान बनाया और आज मेरे साथ हैं। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। तो आज पटना में आप किन से मिलने आए हैं? मनोज वाजपेयी से मिलने आए। तो मैं पहले भी कालिदास में मिल चुका हूँ उनसे। पहले भी आप उनसे मिल चुके हो? हाँ। अच्छा, आप जाते हो उनसे मिलने के लिए, लेकिन आपको कोई रोकता नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर मिल लेते हो, डर वर नहीं लगता है आपको? नहीं लगता डर। नहीं लगता है। अच्छा, आप क्या करते हो, आपकी पहचान किस चीज़ से है, लोग कैसे जानते हैं आपको? मेरी पहचान तो फोटोग्राफी से ही बनी है। फोटोग्राफी से? अच्छा, कितने साल की उम्र से कर रहे हो, क्योंकि आप तो अभी लगता है 5 ईयर क्या होंगे? नहीं 8 ईयर। 8 ईयर हो गया आपका। कितने साल की उम्र से कर रहे हो आप? 3 साल की उम्र से। फोटोग्राफी कैमरा से कि मोबाइल से कर रहे थे? कैमरा से। कैमरा से कर रहे थे? मतलब कैसे, मतलब कर लेते हैं, कहाँ से सीखे हैं? सब कुछ तो पापा ही सिखाए। पापा सिखाए? 3 साल की उम्र में आपके पापा भी कैमरामैन है क्या? हाँ। आप भी कैमरामैन बनोगे? हाँ। और कुछ लाइफ में कुछ बनने का कोई शौक हो, एक्टर वगैरह? हीरो बनने का नहीं सपना आप, क्योंकि आप ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो। हाँ वो तो है। वो तो है, ऋतिक रोशन दिखते हो? ओ माय गॉड, वाकई छोटे ऋतिक रोशन है भाई, कह भी रहे हैं कि हम दिखता हूँ। अच्छा मतलब आप बताइए कि मूवी इंडस्ट्री में जो हीरो हैं, सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी। ओ माय गॉड, शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी में क्या ऐसा देख लिया आप कि उनको बहुत पसंद करते हैं? मनोज वाजपेयी का जो भी एक्शन होता है बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, और शाहरुख खान जी का? शाहरुख खान जी का पठान और जवान बहुत अच्छा था, मैंने देखा था। जवान मूवी आपने देखा है? हाँ। पठान भी देखा है? हाँ। लेकिन पठान और जवान मूवी को लेकर तो आम पब्लिक गरिया रही थी, बोल रही थी ये अच्छा मूवी ही नहीं आया है। अब जवान में लास्ट में मैसेज मिला था। हाँ, लास्ट में मैसेज मिला था। हाँ। कैसा मैसेज भाई? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अगर देखिए तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, आप राजनीतिक में सभी जगह पे गए हो, सभी को जानते भी हो, सभी से मिले भी हो, अभी तक में आप राजनीतिक में जिनका कोई ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री वगैरह बनने के लायक हो, क्योंकि अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, अशोक सम्राट जी से भी मिल चुके हो आप, और किनके से मिलो? गिरिराज सिंह से भी मिल चुके हो ना? हाँ शायद। शायद? हाँ। और मुख्यमंत्री से मिले हो आप? नहीं, मिलने का अभी प्रयास कर रहे हैं। हाँ। मतलब मिल, मतलब उनसे भी मिल लेंगे, किसी हाँ। को छोड़ेंगे नहीं आप? प्रधानमंत्री से कैसे मिलेंगे फिर? अब प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात हो गई। और ये दूर की बात हो गया, एक्टर वगैरह दूर की बात नहीं, और प्रधानमंत्री दूर की बात हो गए। अब मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे, आपके पापा आपको मिलवाएंगे। अच्छा, फोटोग्राफी, आप इतना छोटा है, सब तो इतने लंबे लंबे, आप कर कैसे लेते हो पापा के कंधा पे बैठ के? हाँ कभी कभार बैठना पड़ता है। कभी कभार बैठना पड़ता है? हाँ। क्योंकि आप बहुत छोटा हो, है ना। लेकिन लोग फिर भी आपको बुला लेते हैं सामने से। हाँ। है ना, मतलब इतना प्यार कमा रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में, आगे जाकर क्या करोगे आप? ब्लास्ट करोगे? हाँ ब्लास्ट कर देंगे। अरे वाह, ब्लास्ट करोगे, बिहार में एकदम एकदम तहलका मचा देना है। हाँ। छोटी सी उम्र में। हाँ। अब बड़ा होके फिर क्या कीजिएगा, तो सब छोटा ही उम्र में कर लीजिएगा। तो अब छोटा उम्र फोटोग्राफी करेंगे, बड़ा होकर हीरो बन जाएंगे। ओ माय गॉड, अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं ये भाई साहब, और आगे जाके हीरो बन जाएंगे डायरेक्ट, और कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन भी है। अच्छा, ऋतिक रोशन से मिलने का मौका मिला है कभी? नहीं मिला अभी तक, क्योंकि सच में आप उनके जैसा दिखते हो।
हीरोइन की बात करें तो कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है मूवी इंडस्ट्री में? दीवाना में काजोल। दिल दीवाना वाली काजोल इनको बहुत पसंद है भाई। अब भोजपुरी में? भोजपुरी में हम भोजपुरी हमको पसंद नहीं है। भोजपुरी नहीं पसंद है और काजोल आपको बहुत पसंद है? हाँ। बात तो काजोल और शाहरुख खान दोनों पसंद है आपका, है ना? हाँ। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब बैक टू बैक आपके पापा सपोर्ट कर रहे हैं, सभी जगह ले जा रहे हैं, पढ़ाई बढ़ाई छोड़ दी हो? नहीं करते पढ़ाई। पढ़ाई भी करते हो? ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मतलब पढ़ाई भी नहीं छोड़ेंगे? पढ़ाई भी नहीं छोड़ेंगे। और क्या क्या सपना है आपका करने का, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में आपने तो इतना तहलका मचा रखा है कि वाह, आपको सब लोग देखते हैं और आगे बुला लेते हैं, बताइए इतना बड़ा बात है। ये सब का श्रेय किसको जाता है, आपके पापा या मम्मी को? पापा को। पापा को? पापा ने सिखाया था, सारा इंटरेस्ट पापा ने ही डाला। सारा एनर्जी पापा ने डाला है ना, यानी इंटरेस्ट पहले कैमरा देख के, यानी जब मुझे कैमरा में इंटरेस्ट आया था उस समय मैं 2 साल का था। पापा घर में नया नया कैमरा खरीद के लाए थे। हाँ। तो उस समय हम पापा की गोदी में थे, पापा से मांगे, पापा हमको ये चाहिए, और पापा वो डरते हुए हाथ में दिए, तब से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ। वहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो गया? हाँ। गोद में ही थे उसी टाइम से? अच्छा, कोई यानी 2 साल की उम्र से तब से। अच्छा, 2 साल की उम्र से, भाई गॉड। अभी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं, पापा से डरिए मत, क्योंकि आप तो अब गर्लफ्रेंड रखने लायक भी हो गए हो, क्योंकि आपको लोग जानते हैं ना, तो कोई फैन तो होगी ही लड़की। हाँ, दो है। दो है, दो दो। अभी से आपकी दो गर्लफ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करती है ना, लाइक करती है ना, सपोर्ट करती है। हाँ, सपोर्ट करती है। क्या नाम है भाई उसका? एक का नाम है लालू, दूसरा का नाम है सनाया। सनाया, कितना प्यारा नाम है, देख रही है? आपके पापा सामने डर भाई नहीं लग रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ और दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्या कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए? अब देखिए, सपोर्ट का बात तो नहीं है, लेकिन हम एक मैसेज दे सकते हैं। हाँ, दीजिए। उस मैसेज ये, अगर जो पेरेंट ये सॉरी जो पेरेंट्स ये हाँ इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आपके घर में फ़ोन हो या कैमरा, उसको दीजिए ना कि डांटिए। अगर आप डांटिएगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जिंदगी में। आपके मम्मी पापा आपको नहीं डांटते हैं ना? नहीं। तो लाइफ में एकदम झंडा गाड़ देना है आगे जाके। चलिए, देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रभात रंजन जी थे, जो अपनी बातों को रखा है हमारे कैमरा के सामने, और इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो लाइफ के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका लाइफ स्टार्ट हुआ। 2 साल की उम्र से ये कैमरा कर रहे हैं, तो कैमरा करते हुए मतलब इतना इनमें जज्बा है, इतना बोल्डनेस है, बताइए आगे जाने वाले समय में क्या कुछ ये कर देंगे। इनको सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स से लेके इंडस्ट्री से लेके मूवी इंडस्ट्री तक सभी लोग इनको जानते हैं, और बाखूबी इनको बहुत प्यार मिलता है। इनका कुछ कुछ तस्वीर है जो हम आपको इस वीडियो में देंगे कि कैसा तस्वीर है, और आपको पता चलेगा बाखूबी कि ये क्या चीज़ है। तब तक के लिए, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।